नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों RSM SSP ग्राम सेवक भर्ती 2021 के रिजल्ट को लेकर आप सबके लिए फाइनली अच्छी खबर आ चुकी है। 1 लाख छात्रों को दोस्तों अब पास किया जाएगा। इसको लेकर खुद RSM SSP राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से अपडेट आ रही है दोस्तों, रिजल्ट तारीख घोषित करने को लेकर और आंसर की में कितने बोनस अंक आपको दिए जाएंगे दोस्तों, कट ऑफ कितनी कम हो जाएगी, क्योंकि अब 1 लाख छात्रों को पास करने की तैयारी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोस्तों कट ऑफ कम होगी, अब 20 गुना से ज़्यादा छात्र पास होंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको RSM SSP ग्राम सेवक भर्ती वीडियो प्री के रिजल्ट की पर्पल की अपडेट मिलती रहती है। तो राधे मीना की तरफ से दोस्तों ट्विटर पर ट्वीट किया गया है ग्राम सेवक भर्ती, जो कि इसके परिणाम को लेकर आज बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि 13 अप्रैल तक परिणाम जारी कर देंगे। साथ ही लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा 2 या 9 जुलाई को रखने की अभी प्रोसेस चल रहा है। यानी कि दोस्तों 1 लाख छात्रों को पास किया जाएगा, 81,000 छात्र पास नहीं होंगे, यानी कि 15 गुना छात्र पास ना करके लगभग 20 गुना छात्रों को पास किया जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों 1 लाख गुना छात्र पास होंगे और 2 या 9 जुलाई के मध्य आपकी जो परीक्षा का आयोजन है करवाया जाएगा। मुख्य परीक्षा की जो एग्जाम डेट है वो 20 से 22 अप्रैल तक घोषित हो जाएगी। तो दोस्तों आप सबके लिए फाइनली अपडेट आ चुकी है, यानी कि 10 अप्रैल से पहले ही आप मान के चलिए रिजल्ट आ जाएगा। तो अब 3 से 4 दिन का वेट और करना, उससे पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। विस्तृत विवरण सहित पाठ्यक्रम जारी करने के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पर विचार चल रहा है। साथ ही किसी भी तरह मामला कोर्ट में न जाए, क्योंकि कोर्ट में याचिका लगाई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है वो घोषित किया जाएगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। और मांग ऐसी की जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से यहाँ पर दोस्तों जो है लागू किया जाए, ज़्यादा नंबर कम नहीं किए जाए, जिस प्रकार से पटवार में हुआ था। मैं आपको बता दूँ, पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में दोस्तों नंबर बढ़ेंगे 10 से 11 नंबर, जबकि तीसरी शिफ्ट में और चौथी शिफ्ट में नंबर 7 से 8 नंबर या फिर 9 नंबर तक कम होंगे। जी हाँ दोस्तों, 7 से 8 नंबर तीसरी और चौथी शिफ्ट में कम किए जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली अगर यहाँ पर बात की जाए OBC में, तो OBC में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। इसके बाद जनरल कैटेगरी में तो कट ऑफ हालांकि ज़्यादा दोस्तों जनरल की जाएगी, लेकिन सेम ही कट ऑफ रहेगी। अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए जनरल, EWS, OBC, MBC में तो 50 से 55 कट ऑफ जाएगी। फीमेल की आपकी 45 से 50, SC में मेल फीमेल की 42 से 45 तक कट ऑफ जाएगी दोस्तों। ST कैटेगरी में सबसे कम कट ऑफ रहेगी, 37 से 42 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जरूरी नहीं है कि दोस्तों 10 अप्रैल को ही आए, 10 अप्रैल से पहले भी आ सकता है। तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना, रिजल्ट आते ही मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।